नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्क पावर एंड एनर्जी फॉर क्लास 11। तो व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बल और विस्थापन के स्केलर प्रोडक्ट मीन अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका F डॉट S, यानी कार्य सॉरी बल और विस्थापन के अदिश डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल को हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। तो कार्य आपकी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि किसके इक्वल होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो आपको बताओ इसके अगर डॉट प्रोडक्ट यहां से हटता है तो क्या लिखते हैं, क्या बताओ इसके क्या लिखते हैं, इसका मॉड एफ इंटू मॉड एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस मीन एफ एस कॉस थीटा, ये तो होता है यस। तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो W इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, और वर्क की यूनिट होती है आपकी जूल, और इसकी डायमेंशन होती है आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसकी बीमा हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जो आपका F cos थीटा आया, अगर एक्चुअल में देखें कैसे आया, तो ये ऐसा आया, जरा देखो, सपोज ये मेरा एक प्लेन है, समतल है, इस पर मैंने एक ही ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां को होगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, जाएगा। तो हम ये फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे, ये फोर्स के यहां पर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट बनते हैं। तो हम इस फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी जिस दिशा में विस्थापन हो रहा होगा, इस बल का वो वाला हम घटक लेंगे। तो इस बल के दो घटक हो जाएंगे एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, दो घटक हो जाएंगे। तो इसका जो क्षैतिज घटक है, क्योंकि विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो आप कौन सा वाला बल लेंगे, F cos theta वाला बल लेंगे, F sin theta वाला बल नहीं लेंगे। तो बल कितना लग रहा है इस दिशा में, F cos theta लग रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, मानना S विस्थापन हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू जाएगा बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है आपका, F cos theta लग रहा है, और S आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज हमने जो आई है वो हम यहां पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट आई, क्लियर है। तो ये चीज ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्लियर है ना। अब ये थीटा की बात अगर हम करें, लेट्स से थीटा इज जीरो, ये अगर थीटा माना जीरो है, इसका मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, यही को फोर्स भी लगा है, यही को विस्थापन भी हो रहा है, तभी तो उनके बीच में थीटा जीरो है। तो अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो इज वन होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस वेरी गुड। अब सपोज थीटा हम वन एक ही करते हैं, यानी ये एंगल फोर्स इधर को लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हम 180 कर रहे हैं, तो उस केस में cos 180 का मान होता है माइनस वन। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एफ एस, इसका मतलब फोर्स कहीं को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और को हो रहा है, इज इट पॉसिबल, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लगा है, क्या संभव है, यस इट इज पॉसिबल। हाउ, लेट्स डू इट न्यूमेरिकली, मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा। सपोज ये मेरा प्लेन है, इसमें मैंने 10 केजी का एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा है, 10 केजी का एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर मैंने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, फोर्स लगा रहा हूं। तो इस फोर्स लगने के कारण ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर यहां पर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क किया गया, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, तो मेरे द्वारा जो बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उसमें मैंने कितना वर्क किया, तो उसको अगर निकाला तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा यानी बाह्य बल द्वारा जो कार्य होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होगा, एफ 50 न्यूटन का लगा है, एस 5 मीटर का है, और कॉस थीटा कितना होगा, जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, क्योंकि मेरा फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया, क्योंकि कॉस जीरो का मान वन होता है। तो इसका मतलब 50 इंटू 5 250 जूल, तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, कितना कार्य किया मैंने, 250 जूल का वर्क मैंने किया है इस ब्लॉक को यहां से यहां पहुंचाने में, 50 न्यूटन का फोर्स लगा, क्लियर ना। नाउ अब मैं केवल मैं ही बल नहीं लगा रहा हूं, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस ब्लॉक में पीछे को भी लग रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल इसमें पीछे को भी तो लगेगा, करेक्ट।
तो इसमें पीछे को मैक्सिमम कितना घर्षण बल लग सकता है उसी को हम सीमांत घर्षण निकाल कहेंगे। तो इसमें पीछे को जो मैक्सिमम अधिकतम जो बल लगेगा वो होगा हमारा सीमांत घर्षण। क्या होगा? सीमांत घर्षण। तो हम F लिमिटिंग निकाले, तो F लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू आर, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो म्यू एस कितना दिया आपको 0.1, और अभिलंब प्रतिक्रिया आर कितनी होगी, क्योंकि नीचे को टेन जी वर्ग करेगा तो ऊपर भी प्रतिक्रिया टेन जी की होगी, तो टेन इंटू जी, जी की वैल्यू टेन होती, तो जी 0.1 की वैल्यू 10 इंटू जी मल्टीप्लाई करके आप आता है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे को लग सकता है F लिमिटिंग वो कितना है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 10 न्यूटन का फोर्स अगर पीछे को लग रहा है तो वर्क कितना होगा, वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 10 न्यूटन का बल लग रहा है पीछे। S कितना है डिस्प्लेसमेंट, देखो बल पीछे लग रहा है वस्तु आगे जा रही है 5 मीटर इधर चली गई, तो S इज 5। cos थीटा, थीटा कितना है बताओ मुझे, देखो फोर्स पीछे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आ गया तो एंगल कितना हो गया टोटल 180 का हो गया, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस मानेगा। तो W वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा माइनस का 50 जूल। इसका मतलब जो वर्क डन है वो माइनस में आया है, कितना माइनस का 50 जूल। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। We will do some numericals in the next lecture. Okay.